नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुशवाहा फिर एक बार हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल K SSSK में। दोस्तों आज हम बात करेंगे WhatsApp के नए अपडेट के बारे में। तो दोस्तों WhatsApp का क्या नया अपडेट आया है और इसका उपयोग कैसे करना है आज की इसी वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा उसे दबा दें, उसके बाद जो घंटे का निशान आएगा उसे दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप लाभ उठाते रहें सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले जाएंगे प्ले स्टोर में और टाइप करेंगे व्हाट्सअप। देखिए दोस्तों मैंने व्हाट्सअप टाइप कर रखा, आप भी जो है सर्च कर लेंगे इसे और व्हाट्सअप को अपडेट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों अगर यदि आपका व्हाट्सअप अपडेट नहीं रहेगा तो यह फीचर काम नहीं करेगा। दोस्तों मेरा व्हाट्सअप अपडेट है, मैं यहाँ से इसे खोलूँगा सीधा सीधा। अब दोस्तों क्या व्हाट्सअप का अपडेट है और इसका यूज करना कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले चले जाएंगे सेटिंग में, यहाँ से सेटिंग खोलेंगे दोस्तों। दो राइट साइड में जो है थ्री डॉट दिए गए हैं, इस पर टाइप करेंगे इसके लिए। और यहाँ से सेटिंग खोल लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ कमलेश सिंह लिखा हुआ है, इसके सामने आपको राइट साइड कॉर्नर में एक स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों इस पर टाइप करेंगे। दोस्तों पहले होता क्या था, किसी का जो व्हाट्सअप नंबर जो है अगर आपको जो है लेना होता था तो उससे पहले नंबर मांगते थे, उसे सेव करते थे, उसके बाद जो ही व्हाट्सअप जो है आपके जो में एक्टिवेट हो पाता था। लेकिन दोस्तों इस फीचर से आप जो है किसी को भी एक कोड भेजकर कोच भेजेंगे तो वह क्या करेगा अपने मोबाइल में इसे सेव करेगा और ऑटोमेटिकली जब इसे जो है लिंक पे जो है वो टाइप करेगा तो यह अब उसके फ़ोन में ऑटोमेटिकली जो है सेव हो जाएगा नंबर और वह व्हाट्सअप कर पाएगा। दोस्तों शेयर करेंगे, जिस पे चाहें आप शेयर करना चाहें उस पे शेयर कर सकते हैं इसे। मान लीजिए मैं व्हाट्सअप पर शेयर करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं इन्हें शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैंने इन्हें शेयर किया इसको और यहाँ से शेयर कर देंगे। देखिए दोस्तों ये है इनके पास पहुँच गया। अब जब भी ये इस पे जो है जो लिंक दिया गया है उस पर टैप करेंगे, यहाँ नीचे लिंक दिया गया है, देखिए दोस्तों यहाँ लिंक है ये, इस पर टैप करेंगे तो ये कहाँ पहुँचेगा मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों जब ये टाइप करेंगे तो देखिए यू ये मेरे पास पहुंच जाएंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पहुंच जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों ये तो रहा पहला ऑप्शन। यदि मान लीजिए इस QR कोड को या इस कोड को आप जो स्कैन करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया गया है, इस पर टाइप करेंगे। देखिए दोस्तों इस वाले पे स्कैन पे स्कैन कोड पे टाइप कर देंगे और उसका जो भी कोड होगा उसे स्कैन कर लेंगे। स्कैन करते ही आपके मोबाइल में उसका नंबर जो ऑटोमेटिकली जो है सेव हो जाएगा और आप उसे व्हाट्सएप पे चैट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से बिना नंबर को किसी से लिए भी सेव किए ही एक मैसेज के द्वारा अपने फ़ोन में ऑटोमेटिकली नंबर को सेव करा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक दे दें, वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जिससे इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, शेष अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।